हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस चालू हैं और उसी क्लासेस के सीरीज नंबर 3rd को मैं आज आप लोगों को स्टार्ट कराने जा रहा हूं। और चैप्टर 3rd में हम आज पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के ऑप्शंस के बारे में। इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें मैंने इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस डिटेल्स में समझाए थे। उम्मीद है आप सभी को वो ऑप्शंस समझ में आए होंगे और हमारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी। और इसी आशा के साथ कि आगे भी जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ वो आप सभी को समझ आएंगे, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हम आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो हमारे चैनल के इनबॉक्स में आकर के कमेंट में हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। आशा करूंगा या उम्मीद करूंगा कि आपके इंक्वायरीज आएंगी और मैं आपके इंक्वायरीज का रिप्लाई करूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। होम टैब में फ्रेंड्स ऑप्शन कट, कॉपी, पेस्ट। और पेस्ट के अंदर देखेंगे आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें है पेस्ट स्पेशल और सेट एज डिफॉल्ट पेस्ट। देखिए होता क्या है एग्जैक्टली, देखिए जैसे मैं एक मैटर लिखता हूं मैंने यहां पर मैटर लिखा, इस मैटर को मैं फॉर्मेटिंग करता हूं। फॉर्मेटिंग करना मैंने आपको बताया था, जैसे इसको बोल्ड करना, इसके स्टाइल्स को चेंज करना, इसको कलराइज करना, कुछ भी आप इस तरीके से अंडरलाइन या फिर इटालिक्स करना। अब आप चाहते हैं कि इस जो रिटर्न टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स दो तरीके हैं। आप पीछे से कर्सर रखकर ड्रैग करते हुए, मतलब बाएं से दाएं, दाएं से बाईं तरफ भी आ सकते हैं, या पूरा सिलेक्ट करने के लिए आगे से एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आपको पूरा मैटर सिलेक्ट करना रहेगा तो आप कंट्रोल के साथ ए की प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल ऑप्शन हो जाता है। ध्यान रखिएगा शॉर्टकट की कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। अब आप मैटर को सिलेक्ट करते हैं और अगर आप कट कर देते हैं तो सिलेक्टेड मैटर आपका कट हो जाता है। और अगर आप ऊपर देखेंगे क्विक एक्सेस एक टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर के आप अंडू करेंगे तो आपका मैटर वापस दोबारा से प्रीवियस कंडीशन में आ जाता है। सिलेक्टेड मैटर को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। देखिए कॉपी करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉपी तभी आपका एक्टिव होगा जब आप मैटर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉपी पूछता है कि आप किस सिलेक्टेड मैटर को कॉपी करना चाहते हैं। और कॉपी करने के बाद फिर आपको कर्सर रखना है, लोकेशन देनी है कि कहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना चाहते हैं, मींस कॉपी किए हुए पार्ट को आप कहां पर पेस्ट करना चाहते हैं। आप अगर इस पैराग्राफ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप इसी के पीछे कर्सर रख के पेस्ट कर सकते हैं। फिर कर्सर रखेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर कर्सर रखेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर कर्सर रखेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, या इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल वी। ओके फ्रेंड्स, और कॉपी करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, जैसे मुझे पूरे पैराग्राफ को कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ सी, या तो आप होम टैब के अंदर कॉपी ऑप्शन पर जाएंगे या कंट्रोल के साथ सी। आप देखेंगे जैसे ही मैं कॉपी के ऊपर कर्सर रखता हूं तो उसकी शॉर्टकट कीज को वो डिस्प्ले कर देता है। इस तरीके से भी जिस जिसकी शॉर्टकट कीज होती हैं वो इस पर डिस्प्ले करता रहता है। आप कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, अब पूरा पैराग्राफ कॉपी हो चुका है, सिलेक्टेड पैराग्राफ को पेस्ट करना है, कर्सर रख के कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, या फिर पेस्ट पर जाएंगे। इसका फॉर्मेट आपको नॉर्मल कर रहा है तो आप क्या करेंगे, अनफॉर्मेटेड मींस क्लीन फॉर्मेट। ओके फ्रेंड्स, अब आपका क्लीन हो गया फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड होता, इटालिक होता, अंडरलाइन होता और कलर्ड होता और किसी भी तरीके के फॉर्मेट से फॉर्मेटेड होता, ठीक है फ्रेंड्स, तब आपको क्या है, जैसे अगर आपको, मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूं, थोड़ा रेड कलर कर देता हूं, अगर आपको ये जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है मींस जो रेड कलर का टेक्स्ट है वो आपको कॉपी करना है और आप चाहते हैं कि पेस्ट करें, अगर आप पेस्ट करेंगे तो कैसा टेक्स्ट पेस्ट होगा, जैसा आपने कॉपी किया था। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, कॉपी कर रहे हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, लेकिन रिक्वायरमेंट है आपकी कि जो टेक्स्ट है वो बिना किसी फॉर्मेटिंग के आए, तो वो पेस्ट से संभव नहीं है। उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाना है और ऑप्शन होते हैं यहां पर देखिए कि सोर्सेस फॉर्मेटिंग,
कीप सोर्सेस फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, और ये नहीं तो आप पे स्पेशल पे जाइए और यहां पर कीजिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ओके, और पेस्ट ओके करेंगे तो आपका जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो अनफॉर्मेटेड में पेस्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमने इसको ऑलरेडी फॉर्मेटेड किया हुआ था पहले से, तो यहां पर भी फॉर्मेटिंग हुई है इसलिए टेक्स्ट यहां पर पेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, मैंने यहां पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखा, ओके फ्रेंड्स, और इस फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को मैं कंटिन्यूटी के साथ इसमें पेस्ट कर लेता हूं, एक पैराग्राफ हो गया। और पैराग्राफ रखने के बाद जैसे मेरा कर्सर नीचे हो और मैं केवल इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, आप ध्यान रखिएगा ऐसे पूरे पैराग्राफ को, क्योंकि यहां तक आपने एंटर मारा हुआ तो ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट आप देख रहे होंगे। यहां पर कर्सर रखने से मेरा रेड कलर आ रहा है, यहां पर कर्सर रखने से रेड कलर आ रहा है, मीन्स मैं ये फॉर्मेटेड कर चुका हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले इसकी फॉर्मेटिंग को क्लीन करना होगा, ओके। अब कर्सर मैं कहीं पर भी रखूं, पहले इसको सिलेक्ट करना है, इस पोर्शन को बोल्ड करना है, इटालिक करना है, कोई भी आप फॉर्मेट दे दीजिए, साइज बड़ा कर लीजिए, कलर कर लीजिए। अब इस एरिया को अगर आप कॉपी करते हैं और यहाँ कर्सर रख के पेस्ट करेंगे तो एज इट इज पेस्ट होगा। अगर पेज स्पेशल पर आप जाते हैं और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आपका नॉर्मल फॉर्मेट आ जाता है। एज इट इज देखिए अनफॉर्मेटेड का एक और फंडा होता है, जैसे आप गूगल से कोई चीज सर्च करते हैं, मैंने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, ओके फ्रेंड्स, मैंने एक नोट सर्च करे। अब लाइक मुझे नोट्स कॉपी करने हैं, आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं, इस तरीके से डेटा को सर्च करते हैं और आप क्या करते हैं, डेटा को ऐसे कॉपी करते हैं, ओके, कॉपी करते हैं इस तरीके से कंट्रोल सी से कॉपी, और आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ला करके उसको पेस्ट करने लग जाते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करते हैं तो आप देखते हैं एक तो अनफॉर्मेटेड आ रहा है, ये फॉर्मेटेड आ रहा है। आप चाहते हैं कि आप यहां जब पेस्ट करें डेटा को तो वो विदाउट फॉर्मेटेड नॉर्मल टेक्स्ट आए, देन गो टू पेस्ट स्पेशल एंड क्लिक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ओके करेंगे तो अब आपका टेक्स्ट देखिए विदाउट फॉर्मेट आता है, ठीक है। कई बार आप जब वेब से पेज को पेज से कुछ डाटा सेलेक्ट करके कॉपी करके लेके आते हो तो उसमें लाइन आईपल लिंक की लाइन आने लग जाती है, तो भी आप अनफॉर्मेटेड करके उसको यूज कर सकते हैं। तो आपने सीखा कट कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, और फॉर्मेट प्रिंटर मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी के फॉर्मेट को कॉपी करके आप किसी दूसरे अनदर टेक्स्ट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लाइक मुझे ये फॉर्मेट पसंद आता है और मैं इसके ऊपर इस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए इसका फॉन्ट स्टाइल, इसका साइज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर सब सर्च करके इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी बजाय जो फॉर्मेट आपको पसंद आता है उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कीजिए और जिसके ऊपर ओवरराइट करना हो उसके ऊपर ड्रैग कर दीजिए, तो आपका वो फॉर्मेट कॉपी हो जाता है। अब आपको नॉर्मल फॉर्मेट कॉपी करना है तो फॉर्मेट प्रिंटर पे जाइए नॉर्मल फॉर्मेट के साथ और इसको नॉर्मल फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आपने सीखा कट कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट प्रिंटर, तो आपका ग्रुप टैब कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं फॉन्ट टैब के बारे में। फॉन्ट टैब में मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉन्ट टैब में क्या होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइक बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन में भी आपके पास है ऑप्शंस, लाइन वर्ड्स ओनली चाहिए, जिगजैग चाहिए, किस तरीके की अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन को कलर करना चाहते हैं अंडरलाइन को कलर कर सकते हैं, केवल साइज इंक्रीज करने के लिए यहां से भी कर सकते हैं आप, सॉरी यहां से, ओके, होम टाइप के अंदर यहां से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट का यहां से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर यहां से स्टेप बाय स्टेप भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहां से डिक्रीज कर सकते हैं, यहां से फॉन्ट स्टाइल से आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था यहां से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, देखिए होता क्या है, जैसे मैंने मैटर लिखा अभी आपको दिखाया, मैं इस मैटर को सिलेक्ट करता हूं, ये टाइटल केस में लिखा हुआ है, मैं यहां पर जाता हूं और सेंटेंस केस की बजाय लोअर केस कर देता हूं, सारे के सारे वर्ड आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं, लोअर केस में हो जाता है, ठीक है। अगर आप जाते हैं यहां पर चेंज केस की कंडीशन में अपर केस करते हैं तो सारे के सारे वर्ड जो होंगे कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे, और कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर आप करते हैं तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। टॉगल केस करेंगे तो पहला अक्षर छोटा, बाकी सब आपके बड़े केसेस में हो जाते हैं। नॉर्मली हमारे जो पैराग्राफ्स होते हैं वो सेंटेंस केस में चलते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट कीज होती है शिफ्ट के साथ F3। आप अपने सिलेक्टेड मैटर को शिफ्ट के साथ F3 की से क्या कर सकते हैं, चेंज केस कर सकते हैं यूज। चेंज केस कमांड समझ में आया। अब सिलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो आप यहां से
इस तरीके से बैकग्राउंड्स दे सकते हैं हाईलाइटेड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहां से कलराइज कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन मैंने आपको तब भी बोला था कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट केसेस में आपको आगे बताऊंगा, तो आज मैं आपको इनको क्लियर करा देता हूं। जैसे कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम x की पावर 2 लिखना चाहते हैं, लेकिन हम x की पावर 2 यहां पर नहीं लिखते, ये x2 लिखा हुआ आ जाता है। तो इसके लिए केवल आपको क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है, पूरे टेक्स्ट को नहीं, ओनली 2 को, और सुपरस्क्रिप्ट केसेस पे जाना है, क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे x की पावर 2 लिखा हुआ आ जाता है। या कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप रिज्यूम्स वगैरह बनाते हैं, इस तरीके से अप्लाई करते हैं, स्पेस देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये ऑटो करेक्टेड है। और कई बार अगर ना हो इस तरीके से, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट केसेस कर देना हो। सबस्क्रिप्ट केसेस क्या होता है, जैसे आपने एक इक्वेशन देखी होगी साइंस में H2O, अब आप 2 को क्या करना चाहते हैं, सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं, मींस डाउन में लेके आना चाहते हैं, तो आपको केवल 2 को सिलेक्ट करना है और सबस्क्रिप्ट केसेस पे जाना है। इस तरीके से आप H2 को मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको फॉन्ट टाइप के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ टाइप्स की। पैराग्राफ टाइप्स फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, और ये बेसिक अलाइनमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाला टाइप्स है। हम डॉक्यूमेंटेशंस अपना अट्रैक्टिव तभी बना सकते हैं जब हम लिखे हुए मैटर का अलाइन सही तरीके से करें। लाइक सपोज दैट मुझे एक रिज्यूम प्रिपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से रिज्यूम लिखूंगा यहां पर, या कैपिटल में अगर इसे लिखना है तो वही चेंज केस में जाकर चेंज, और साइज बड़ा कर देना है। अब इसको अगर मुझे सेंटर लाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर लाइन करना पड़ेगा। अगर राइट में चाहिए तो राइट, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट। ओके फ्रेंड्स, मुझे इसे सेंटर लाइन करना था, सेंटर लाइन कर दिया, एंटर की प्रेस करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो अलाइनमेंट है वो राइट अलाइनमेंट से चले, तो आप यहां से राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां पर अपना एड्रेस वगैरह देना चाहते हो इस तरीके से, जो भी आपने देना है, सॉरी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पर पैराग्राफ्स में, मतलब जो लाइंस में बहुत ज्यादा गैप है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहां आप देखेंगे पैराग्राफ गैपिंग है, लाइन स्पेसिंग पे जाना है आपने, और यहां आफ्टर गैपिंग को जीरो कर देना है। ओके करेंगे, नॉर्मल हो जाता है, और सभी लाइनों में ईच गैप चाहिए आपको, तो ये गैप है, नॉर्मल करेंगे नॉर्मल हो जाएगा, 1.5 करेंगे तो 1.5 का गैप, 2 करेंगे दो लाइंस का गैप आ जाएगा 2.5 में, ढाई का गैप आ जाएगा यहां पर मल्टीपल्स के लिए, मोस्ट ऑफ ऑल ये 1.5 होता है इस तरीके से, नहीं तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल हो जाता है। अब उसके बाद आप चाहते हैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट करना, फिर लेफ्ट अलाइनमेंट कर लीजिए। यहां सपोज दैट आप नाम लिखना चाहते हैं, कोई भी नेम, अब इस तरीके से टाइप दबा करके आप आगे जाकर के कॉन्टेक्ट नंबर लिखना चाहते हैं, अब यहां पर कोई भी नंबर आपने लिखा। ओके, इसको थोड़ा सा आपने लेफ्ट करना है, और ये पोर्शन आपको सिलेक्ट करके क्या करना है, जस्टिफाई, और यहां पर स्पेस दे करके इसको लास्ट तक ले जाना है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं, आपको एक लाइंस की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कई मेरे फ्रेंड्स कैसे करते हैं कि वो यहां पर जाते हैं इंसर्ट पे, और यहां से शेप्स में जाते हैं, और यहां से लाइन को लेते हैं, और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते हैं, शिफ्ट दबा करके स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये भी ऑप्शन अच्छा है अगर आप करना चाहें, लेकिन इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट कीज देता हूं। कर्सर लास्ट पर पिक करके एंटर मारेंगे, और शिफ्ट के साथ 3 times शिफ्ट के साथ जो आपकी न्यूमेरिकल कीज है 1, 2, 3 जो आपके अल्फाबेट के जस्ट ऊपर है, शिफ्ट के साथ 3 times माइनस दबाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली यहां इंसर्ट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप देखते हैं कि इस कमांड को कैसे लाया जाता है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और होम टैब के अंदर तो कुछ नहीं है, आपको जाना है पेज लेआउट में, पेज बॉर्डर पे जाकर के यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए ऑप्शन है, आप यहां से जो लाइन आपको रिक्वायर्ड है उस लाइन को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिंगल लाइन चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होम टैब के अंदर आपने पैराग्राफ सीखा, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और जस्टिफाई एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे आप पैराग्राफ्स लिखते हैं, अब पैराग्राफ्स को अगर सिमेट्रिक्स करना है, आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ लेफ्ट से भी बराबर आ रहा है और राइट से भी बराबर इक्वल लाइंस में, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जस्टिफाई हुआ पड़ा है। अगर ये इस तरीके से लेफ्ट लाइन होता तो ये लेफ्ट से इक्वल आता, राइट से इक्वल नहीं आता। मोस्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ को जस्टिफाई करके रखना चाहिए, जिससे हमारी अलाइनमेंट अच्छी लगती है। ओके फ्रेंड्स, और देखेंगे जैसे ही आप यहां पर
कोई भी डेटा इस तरीके से लिखते हैं लाइन बाय लाइन, अब आपको इसको हेडिंग्स के रूप में देना है या फिर इनको नंबरिंग देनी है, तो यहां से आप इनमें बुलेट्स मेंशन कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जो बुलेट्स यहां दे रखे हैं उनको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर चेंज डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे, यहां से सैंपल्स पर क्लिक कीजिए और सैंपल, इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स में आपको सैंपल्स मिलेंगे, यहां क्लिक करना है, फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है, विंडिंग्स डब्ल्यू प्रेस कीजिए, अब आपको विंडिंग्स के नाम से यहां सैंपल्स मिलेंगे। सेकेंड विंडिंग्स को देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे, तो जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके का फॉन्ट यहां पर स्टाइल लगा करके आप यहां पर बुलेट्स दे सकते हैं। नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं आप यहां पर, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे रोमन हो, चाहे अल्फाबेट्स में हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इसमें नंबरिंग मेंशन कर सकते हैं। और ये हैं आउटलाइन नंबर्स। देखिए एग्जैक्टली आउटलाइन नंबर का इस्तेमाल क्यों होता है, लाइक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनाना है तो आपको क्या करना है, यहां जा करके आप सीधा जाइए एक ऑप्शन पे सेकंड वाले, और यहां पर आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद क्वेश्चन को जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे टू यहां पर क्वेश्चन नंबर आ रहा है। अब आपको कीबोर्ड से टैब की प्रेस करना है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको दे देता है, चार ऑप्शन आपके हो गए। अब बैक स्पेस दबाना है और आपको दो लिखना है, उसी तरीके से आपको ब्रैकेट्स क्लोज करके देनी है, स्पेस दे करके दूसरा, आप जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे वो बुलेट्स में मींस नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंटर की प्रेस करते ही थ्री आएगा, फिर टैब की प्रेस करना है आपने, ये इसके चार ऑप्शन दे देगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ पेपर्स जो आपके बनते हैं एग्जाम में वो बनते हैं। इनको आप इस तरीके से अल्फाबेट की बजाय वन बाय वन कर सकते हैं, या इस तरीके से सेक्शन वाइज दे सकते हैं हेडर में, आप अलग अलग स्टाइल से इनको मेंशन कर सकते हैं। अगर इनको नॉर्मल करना है तो यहां पर नन पर क्लिक कीजिए, नॉर्मल हो जाता है। तो आपने सीखा बुलेट्स देना, नंबर्स देना या आउटलाइन नंबर्स देना, यहां से मार्जिन देना आपने सीख लिया। ये है इंडेंट्स। देखिए जब आप पैराग्राफ्स लिखते हैं आप चाहते हैं कि पहला पैराग्राफ जो आपका यहां से 1 mm के आसपास गैप है, मींस 1 inch के आसपास गैप है, इस पैराग्राफ को 0.5 और आगे करना चाहते हैं तो इस तरीके से इंडेंट्स आप आगे कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने मैटर को बैक में ला सकते हैं। मैंने अभी आपको एड्रेस लिख के दिखाया था, राइट अलाइनमेंट किया था और यहां पर एड्रेस लिखा था इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये राइट टू लेफ्ट आ रहा था, राइट अलाइनमेंट था। इन केस हमारे पास ये होता लेफ्ट अलाइनमेंट और मुझे इसी अलाइनमेंट इसको आगे लेके जाना होता, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करते, उसके लिए आप इंडेंट्स का ही यूज करते, इस तरीके से इसको राइट अलाइनमेंट लेके जाते हैं, और बैक आना हो तो इससे। इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल एम की प्रेस करेंगे शॉर्टकट की से तो आगे जाएगा, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एम की दबाएंगे तो ये बैक हो जाता है। शॉर्टकट कीज को आप नोट करके भी रख सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस में इसको यूज करते रहें रेगुलर। जब आप टेबल्स वगैरह बनाएंगे तो टेबल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर करने के लिए यूज में आएगा, टेबल्स को आपको यहां से बैकग्राउंड्स देने के लिए यूज आता है, या सिलेक्टेड मैटर्स को टेबल्स में कन्वर्ट करना हो तो आप यहां से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां से विदाउट बॉर्डर इसको रखना चाहते हैं विदाउट बॉर्डर रख सकते हैं। ये इंडेंट मार्क्स है, आपके लिखे हुए हर लाइन के पीछे इंडेंट मार्क्स आ जाता है, ठीक है, पैराग्राफ मार्क्स बोलते हैं। जहां पर भी आप एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही आपके पैराग्राफ का सिंबल आ जाता है। तो आज आपने सीखा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप्स, पैराग्राफ ग्रुप्स और स्टाइल्स। यहां से आप अपने जो भी मैटर्स है, जो भी आपने पैराग्राफ्स लिखा हुआ है, सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के स्टाइल्स को यहां से चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स को भी यहां से चेंज कर सकते हैं, कलर भी। कल हम बात करेंगे या आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट टेक्स्ट के बारे में। उम्मीद है आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी और आशा करता हूं कि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस में आपको आगे देता रहूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग दिस वीडियोस एंड हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।